मेरी बीवी जो है ना वो इसकी बीवी नहीं है, वो तेरी बीवी है। और मेरी बीवी नहीं है, वो इसकी बीवी है और हम दोनों की भाभी। तो दोस्तों, बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्मों में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी हाउसफुल, जिसकी शुरुआत तो साल सन 2010 में हुई थी, लेकिन जैसे जैसे इस फ्रेंचाइज को फैंस का प्यार मिलता रहा, वैसे वैसे फिल्म की स्टार कास्ट भी बड़ी होती चली गई। जहां फर्स्ट पार्ट में अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख, अर्जुन रामपाल, चंकी पांडे, लारा दत्ता, दीपिका पादुकोण और जिया खान नजर आई, तो वहीं सेकंड पार्ट में अर्जुन रामपाल की जगह अक्षय कुमार के साथ जॉन इब्राहिम, रितेश देशमुख, मिथुन, जॉनी लीवर, बोमन ईरानी, सिरस तलपड़े और चंकी पांडे के साथ कई स्टार कास्ट और नजर आई। तो वहीं हाउसफुल 3 जो कि सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग फिल्म मानी जाती है, जिसमें जॉन इब्राहिम की जगह अभिषेक बच्चन नजर आए अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ। फैंस ने हाउसफुल 3 को पसंद तो बहुत किया था, लेकिन पार्ट 4 में फिर से स्टार कास्ट चेंज कर दी गई, जहां अभिषेक बच्चन की बजाय बॉबी देओल नजर आए अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के साथ। लेकिन अब दोस्तों एक बार फिर हाउसफुल 5 में हो चुकी है अभिषेक बच्चन की एंट्री, और साथ ही इस बार नाडियाडवाला हाउसफुल 5 को बहुत बड़े लेवल पर बना रहे हैं, इसलिए आपको फिल्म में अभिषेक बच्चन के साथ साथ फरदीन खान भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही फिल्म में बॉबी देओल और पूजा हेगड़े भी देखने को मिलने वाली है, ऐसी खबरें हैं। यानी कि अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, अभिषेक बच्चन और फरदीन खान, ये सभी एक साथ मिलकर हाउसफुल 5 में लगाने वाले हैं कॉमेडी का जबरदस्त तड़का। बात करें फिल्म की रिलीजिंग की, तो दोस्तों दिवाली पर फिल्म रिलीज हो रही है इसी साल 2024 में, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत पहले ही कर दी गई थी, जो कि फिल्म मेकर्स ने पोस्टर के जरिए कर दी थी। और बात करें फिल्म का टीजर ट्रेलर आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दूं अभी काफी टाइम है, नवंबर में दिवाली है और उस टाइम फिल्म रिलीज होने की खबरें हैं, इसलिए फिल्म का टीजर ट्रेलर आपको सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले खबरें हैं कि फिल्म मेकर्स फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज करेंगे, जहां पर सभी स्टार कास्ट से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दोस्तों फरदीन खान और अक्षय कुमार कई साल बाद जाकर स्क्रीन पर एक साथ नजर आने वाले हैं। ऊपर से फिल्म में एक से बढ़कर एक कॉमेडी एक्टर देखने को मिलने वाले हैं, तो ये तो कन्फर्म है कि ये फिल्म अक्षय कुमार की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होने वाली है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कितने एक्साइटेड है फिल्म को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए माय टॉक्स को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ।